नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोजर करेंगे रेखा महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता है। रेखा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने किया कि पहली मरतबा 33% रिजर्वेशन। ये अलग बात है कि 29 2029 में ये मिलेगी, लेकिन एक बड़ा फैसला है। इससे आपको लगता है कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा कि राजनीतिक में जो अपनी पार्टिसिपेशन है वो पूरी करेंगी? जी बिल्कुल, आज आपके सामने है। मुझे लगता है कि महिलाएं जो है काफ़ी संख्या में आज बाहर निकल रही हैं, और पॉलिटिकली जिस तरह से एक बड़ा डिसीजन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये लिया गया, अदरवाइज हम देखेंगे कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्रिएट किया जा रहा है जिसमें महिलाओं को एक सोशली इकोनॉमिकली उनको डेवलप किया जाए, चाहे वो हमारी योजनाओं के माध्यम से हो, अलग अलग तरीके से महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है। कई ऐसी स्कीम्स हैं, कई अलग अलग हमारे MSMEs हैं, अगर हम देखें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, और हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। महिलाएं हर फील्ड में आज काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अभी 33% रिजर्वेशन देकर तो प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी महिलाओं को पॉलिटिकली भी जो है एम्पावर किया है। और आज बढ़ चढ़ के महिलाएं जो है, अब आप देखोगे, मुझे लगता है जब मैं 2014 में राजनीति में आई थी उस समय जितनी महिलाएं, और एक ऐसा एक माहौल था कि एक सोच थी आम लोगों में कि महिलाएं राजनीति में नहीं जाती हैं, लेकिन आज वो एक नैरेटिव बदल गया हुआ है। आज काफ़ी महिलाएं हैं जो खुद ही कॉन्टैक्ट करती है कि हमें पार्टी में ज्वाइन करना है, और अधिक से अधिक ज्वाइनिंग्स जो भी हैं जो वो महिलाओं की हो रही हैं। देखा जी, पहले एक्सप्लाइटेशन होती थी, क्या अब थोड़ा अंतर आया है? ये नहीं है कि आपको रिजर्वेशन दी गई है, क्या महिला भी परिपक्व हुई हैं, खुद को अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में फख्र महसूस करती हैं? जी एक्सप्लॉयटेशन तो जैसे आप बात कर रहे हो सकता है कहीं ना कहीं हर, मुझे आप राजनीति की बात करते हैं पर मुझे लगता नहीं कि सिर्फ राजनीति, हर फील्ड में महिला को आगे निकलना है तो कुछ मुझे लगता है ये समाज में रहता है, लेकिन आज समय बदल गया है। और सबसे जरूरी तो एजुकेशन है जी। अगर महिलाएं एजुकेशन है तो काफी हद तक वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होती हैं और अपने आप को एम्पावर करती हैं। और आज हिम्मत तो महिलाओं ने दिखाई है, बाहर निकली हैं, और जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि आज एक फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करते हैं कि आज अगर परेड होती है 26 जनवरी की या 15 अगस्त पे, तो महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तो समय समय पर महिलाओं को मौका दिया जाता है, तो महिलाएं तो मुझे लगता है कि हमेशा से पुरुषों से बेटर हैं। मौका नहीं मिलता, या कई बार घर में कुछ उस तरह से माहौल होता है, या आज के समय में काफ़ी चेंज है, महिलाएँ बाहर निकल रही हैं, और महिलाएँ सक्षम हैं। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी एम्पावर हैं, बस एक मौका है जो उनको अगर मिले तो महिलाएँ पुरुषों से बेटर प्रूव करके दिखाती भी हैं। लेकिन एक सरकार ने, सरकार ने कुछ अलग ही किया है जी। पहली बार तो महिला को डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण को डिफेंस भी सौंपा था जी। बिल्कुल आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं बाकी महिलाओं को इंस्पायर करता है, क्योंकि आज हर महिला के अंदर एक उम्मीद जगी है। और विशेष रूप से जब ये 33% रिजर्वेशन देने के बाद तो कहीं ना कहीं आपको हर एरिया में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं आज लेडीज बाहर आना चाहती हैं, कि उनको भी लगता है कि शायद कल ये मौका हमें भी मिल सकता है जी। आप मुस्लिम महिलाओं से इंटरेक्ट करती होंगी जी। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक का कितना इम्पैक्ट है? देखिए, महिलाएं, हो सकता है मुस्लिम महिलाएं खुल के बात ना करें, लेकिन जब हम उनसे इंटरेक्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव, मोदी जी के लिए उनका एक रवैया है जी। आप देखेंगे ट्रिपल तलाक का जब ये कानून बनाया गया, उसके बाद लगातार जिन स्टेट्स में इलेक्शन भी हुआ, एक काफ़ी वोट परसेंटेज जो बढ़ा, और महिलाएं ओवरऑल, चाहे वो महिलाएं मुस्लिम हों चाहे हिंदू हों, किसी भी धर्म से हों, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनका विशेष जो है वो लगाव है, कहीं ना कहीं नीतियों को देख के, उनकी पॉलिसीज को देख के जी। जी रेखा जी, आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया गया, ये पहली बार था। अमूमन हम समझते थे कोई मेल ही होगा, मेल ही संभाल सकता है जिला जी। बिल्कुल, मेरे लिए तो, क्योंकि मैं कभी भी, मुझे लगता है कि जम्मू में भी कोई भी नहीं सोच सकता था कि कोई जिलाध्यक्ष कभी महिला बनेगी, वो सबके लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने भी जब अनाउंस हो उसके बाद ही पता चला, तो शायद जब सुनने में आया था कि मेल ही थे, लेकिन मोदी जी का ऊपर से कुछ उस तरह से इंस्ट्रक्शन हुआ था कि नहीं, आपको दो महिलाएं जो हैं कम से कम जिलाध्यक्ष बनाइए, तो पार्टी ने मौका दिया, पार्टी का भी इसके लिए आभार व्यक्त करूंगी, और मोदी जी का तो विशेष रूप से, जिन्होंने इस तरह का
एक मौका। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तायद हो जाती है कि आपको पार्टी ने या संगठन ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको वो कंधों पे उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, और मैं अपनी तरफ से, मुझे लगता नहीं जब से मैं जिलाध्यक्ष बनी हूँ, अदरवाइज भी मैंने पूरा समय पार्टी को दिया है जब से मैं राजनीति में आई हूँ जी, और मैंने भी समय दिया और पार्टी ने, मुझे लगता है हमेशा मैंने जो काम किया है उसको कहीं ना कहीं सराहा है या मुझे उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट भी मिला है, क्योंकि लगातार कम समय में मैं जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही, प्रदेश में सचिव रही, और आते ही सचिव बनने के बाद मुझे प्रभारी भी बनाया गया। मैं जिला अखनूर की भी प्रभारी रही, एक बहुत बड़ा जिला है, 7 मंडल उसमें है। मैं जम्मू वेस्ट की प्रभारी रही और उसके बाद जिलाध्यक्ष का जो है एक मौका पार्टी ने मुझे दिया, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं क्योंकि मैं भी जब मुझे अपनी भी आत्मा को जवाब देना है कि अगर पार्टी ने मुझे इतना मेरे पे विश्वास किया है तो मैं पार्टी का एक सिपाही बनके पूरी अपनी पार्टी को आगे लीड करूँ। और अभी तो चुनाव है तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से जो है अपने काम करें, क्योंकि हमारा तो यही दायित्व है कि हम पार्टी को, संगठन को मजबूत करें। तो मैं आप लगातार संगठन को मजबूत कर रही हूँ और काफ़ी सारे लोग हमने ज्वाइनिंग के माध्यम से भी जोड़े हैं, काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी हैं। आज के समय में काफ़ी सारे महिलाओं का ग्रुप जो है आज हमसे जुड़ा हुआ है, तो एक कोशिश करती हूँ और आगे भी करूँगी। 2 दशक पहले जब महिलाएं राजनीति में जाती थी तो उनको कुछ घर वाले कुछ उल्टा सीधा ऐसा गलत निगाह से, अब वो सारा सिस्टम बदला हुआ है। बिल्कुल, आज वो चीज़, क्योंकि ये हमने भी सुना है, जब हम भी निकलते थे तो मेरे घर में मुझे सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, लेकिन रिलेटिव्स फिर भी कहते थे कि कहाँ आप भेज रहे हो ये, आप मतलब इसका आपने किस सोच के साथ, क्या लगता है आपको कि ये मतलब राजनीति में आप भेज रहे हो, लेकिन भगवान की कुछ इच्छा रही होगी और घर वालों का सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिला तो आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो समाज की एक मेंटेलिटी तो है ही है, पर मुझे लगता है अब वो बदल गई है, बहुत ज़्यादा चेंज, अब वो बदल गई है। क्योंकि मैं अगर बात करूँगी अपने एरिया की ही बात करूँ तो एक समय था कि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी, यहाँ से बिल्कुल कोई महिला हमारे साथ नहीं चलती थी, क्योंकि अच्छे घरों की महिलाएं भी कहीं ना कहीं सोचती हैं कि उनको राजनीति एक अजीब सा लगता था, लेकिन आज काफ़ी सारी महिलाएं हमारे छन्नी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, अच्छे से अच्छे एरिया से, तो हर जगह से जो है महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। जी रेखा जी, आपने 2008 का लैंड रो देखा होगा, भूमि आंदोलन देखा होगा, उस भूमि आंदोलन में भी कुछ महिलाएँ ने उनकी कमान संभाली थी, बहुत एरियाज में मैंने देखा था, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत और बाहू प्लाजा में महिलाएं उन प्रोसेशन को लीड करती थी, शायद वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। जी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं राजनीति में नहीं थी, महिलाएं काम नहीं करती थी। अगर आज जब भी हम कहीं बैठते हैं तो उस समय की एजिटेशन की भी बात करते हैं, हो सकता है सामने पुरुष हों लेकिन पीछे जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, वो हमारी महिलाएं थी। कि अक्सर बात की जाती है कि किस तरह से जब पुरुषों की बैठकें करनी होती थी तो महिलाएं किस तरह कोऑर्डिनेट करती थी, सारे प्रोग्राम्स उनके ऑर्गेनाइज करती थी, तो महिलाएं मुझे लगता है एक शक्ति बनकर पीछे जरूर हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। जी राम मंदिर का निर्माण और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान, क्या ये 2024 के इलेक्शन में कोई बेनिफिट दे पाएगा? क्योंकि जब आपके दो पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे 1984 में, तब भी आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र था, और आज जब 2024 में ये हो गया है तो मुझे लगता है कि रामलला जो आराध्य हैं, लोग को देख करके भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। देखिए रामलला कभी भी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, तो हमेशा से हमारे मैनिफेस्टो में रहा है, चाहे 370 को हटाना हो, चाहे राम मंदिर को बनाना हो। तो मोदी जी ने, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल विल के साथ जिस तरह से काम किया है, जिस सोच से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यही सोच रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए और उस पर काम हुआ है, ये हर व्यक्ति की मुझे लगता है श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है और लोग इससे जुड़ेंगे, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हम सब के लिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी अपने कहते थे कि हम पीएम आवास योजनाओं के तहत महिलाओं को घर मिले, तो हर महिला सोचती थी कि प्रधानमंत्री जी ने हमें घर दिया, तो हम अक्सर देखते थे कि एक व्हाट्सएप पे एक आता था कि मुझे नहीं पता था, राम जी का था कि तूने हर महिला को घर तो दिया कि मेरे को भी मेरा घर मिलेगा,
तो राम राम जी, मैं वही कहूंगी कि कभी भी हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। राम जी का मंदिर बनाना हमेशा से ही भाजपा की विचारधारा, भाजपा की आइडियोलॉजी जो है उससे जुड़ा हुआ है। हमारे सभी सीनियर नेताओं ने इसके लिए बहुत काम किया है और संघ के एक एक व्यक्ति ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। कई संघर्ष जो है, कई सालों के संघर्ष के बाद जो है आज राम मंदिर बना है और मुझे लगता है हम बेहद भाग्यशाली हैं कि हमें हमको इसमें जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए काम करने का मौका मिला। विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है, जब आप कहते हैं, जो लोग कहते हैं, स्लोगन देते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष तो ये भी कहता था कि राम है ही नहीं है, वो तो राम के वो तो राम जी के तो अस्तित्व पे भी सवाल उठाता था। इसलिए मैं विपक्ष की उस बात पे नहीं जाऊंगी, पर ये सच भी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसमें कहने में कोई बुराई भी नहीं है जी। तो राम हम सबके आराध्य है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो भी आज अभी मुझे लगता है जो पहली होली, दो दिन पहले हमने होली मनाई तो एक अलग ही भावना, आज जब हर व्यक्ति राम मंदिर जाता है तो उसको कहीं ना कहीं राम मंदिर में, वहाँ पे जिस तरह से अब त्यौहार मनाए जा रहे हैं, हमारी होली मनाई गई, तो मैं यही कहूँगी कि राम मंदिर को राजनीति से जोड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से परे है। लेकिन विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी फिरका प्रस्ती की राजनीति करती है, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करती है, 80-20 की बात करती है, गीता कुरान की बात करती है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा अगर हर मुसलमान के पास अगर एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए जी। तो जब भी कोई योजना बनती है, कभी भी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनती। अगर आज इतनी योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना की बात करें, हम उज्ज्वला की बात करें, आवास योजना की बात करें, कोई भी योजना हो, मुझे लगता है कभी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनती। तो ये राजनीति है तो इस तरह की बात करना, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जी। अब जो कोई मुद्दा नहीं है तो उनके उन्होंने शुरू से इसी तरह की राजनीति की है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति ये विपक्ष ने की है। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम, मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है इतना प्यार मुझे हिंदू समाज से नहीं मिला जितना प्यार मुझे मुस्लिम समाज से मिला है जी। क्योंकि हमारा यहाँ काफी एरिया जम्मू साउथ में है, हमारा बटिंडी, सुंजवा, नरवाल, रैका वगैरह, लगातार मैं यहाँ पे भी कार्यक्रम करती हूँ, लोगों ने इतना प्यार दिया है। आम व्यक्ति आज समझ गया है कि इन लोगों ने उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया और किसी के लिए नहीं किया, क्योंकि ये लोग हमेशा से, इनके लिए कोई पॉलिसी उस तरह से नहीं बनाई गई, कोई काम उस तरह से नहीं किया गया। लेकिन जब भी इलेक्शन का समय आया तो कुछ एक फीता काट के या इनको बता दिया गया कि हम आपके, लेकिन उनको कभी इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी अच्छी एजुकेशन के लिए कोई स्कूल्स का यहाँ पे नहीं बनाए गए, कुछ इस तरह की या डेवलपमेंट इसके एरिया की नहीं की गई। कहीं ना कहीं उनका मात्र एक ही फोकस है कि इन लोगों को अनपढ़ रखा जाए, इन लोगों से मात्र वोट बैंक लिए जाए, इस पर जो है विपक्ष ने काम किया है। तो मैं उनकी बात पे नहीं जाऊंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी। हमारी पार्टी हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए, क्योंकि अभी हमारा सोशल संपर्क कार्यक्रम भी चल रहा है, हम ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम, हम हर वर्ग के बीच में हम जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इतना तो मैंने भी नहीं सीखा था जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी में आके सीखा हर धर्म के बारे में। क्योंकि जब हमारा पिछले दिनों वीर बाल दिवस मनाया गया तो हर गुरुद्वारों में जाके हमने कार्यक्रम किए। इसे समय समय पे जब भी कुछ रहता है हम लोगों के बीच जाते हैं और लोग, ये सिर्फ सोच कांग्रेस की है, वो लोगों पे अपनी थोप, जो सोच है उसको थोप रहे हैं, लेकिन अगर आप आम जनता के बीच जाओगे तो इस तरह का जो है ऐसा माहौल मुझे देखने को नहीं दिखता। आपके पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे लगता है कि आपका किचन से रिश्ता कम हो गया होगा, किचन जा नहीं पाते होंगे, फिर महंगाई का असर आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन जो महिलाएं किचन में जाती हैं, जो जिनका सरोकार किचन से है, उनके लिए बढ़ती महंगाई एक इशू तो नहीं होगा चुनाव में? मुझे महंगाई अगर हम देखें उस तरह से कुछ चीज़ों में होगी, लेकिन जब मुझे लगता है जब मौसम भी चेंज होता है तो कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली भी महंगी होती हैं। हो सकता है पहले कुछ चीज़ों की रेट बढ़ी हो, एक टमाटर हमें अब सरकारें बदल देते थे कभी-कभी, अभी जब मौसम बदला है तो अब टमाटर भी ठीक है, प्याज भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे लगता है कि जो हमारा वोटर है वो जागरूक है, जब वोट देने की बात आएगी, जब इलेक्शन होगा तो वो सोच समझ के जो है वोट देगा, सिर्फ मात्र टमाटर पे या प्याज पे या महंगाई पे नहीं। अदरवाइज आज अगर जितनी डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज भी दिखता है कि कितनी डेवलपमेंट आज देश में हुई है। अगर हम अभी, मैं क्या बात, जम्मू कश्मीर में ही अगर एम्स से लेके 2 एम्स जम्मू कश्मीर में बना, IITs, IIM, अगर हमारे 15 तो हमारे नर्सिंग जो है इंस्टीट्यूट्स बने हैं, 2 हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं,
तो लगातार जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी तो एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि इतनी डेवलपमेंट आज देश में हुई है। हाईवेज देखिए, हमारा बनिहाल टनल देखिए, तो रेशो बराबर या मेल फीमेल्स, तो आप एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस वक्त, महिलाएं एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं, और महिलाओं राजनीतिक में थोड़ा अंतर है, राजनीति में उनकी कम पार्टिसिपेशन होती है, क्या अब थोड़ा बदलाव आया है और आपका क्या रोल है? जी आज बहुत बड़ा बदलाव आया है, मुझे लगता है पिछले कुछ 6 महीने से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि महिलाओं की राजनीति में पार्टिसिपेशन जैसे आप कह रहे हो कम हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली कम हो सकती है, लेकिन इनडायरेक्टली महिलाएं आगे भी राजनीति में इन्वॉल्व रही हैं और हमेशा अपना रोल जहां तक हुआ प्ले कर रही हैं। लेकिन वही बात है कि मौका देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है महिलाएं हमेशा बेहतर परफॉर्म करती हैं जब उनको एक मौका मिले। तो जैसे मुझे एक मौका मेरी पार्टी ने दिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बाकी के जिलाध्यक्ष हैं, जो पुरुष जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनकी बढ़कर करूं, बढ़कर नहीं तो उनके मुकाबले में तो मैं जरूर अपना काम करूं। तो इसलिए जब भी किसी को भी मौका मिलेगा वो बेहतर जरूर करेगा। आप एक जिले को रिप्रेजेंट करती हैं, चीफ हैं जिले की, तो बेवक्त कोई फोन करता होगा आपको, ऐसे मेल होता तो उसको कभी भी कोई व्यक्ति फोन कर सकता है रात के टाइम, फिर आपके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती होंगी। नहीं, कंप्लेंट्स नहीं आती, पर ये अच्छा है, मुझे लगता है कभी कभी महिला जिलाध्यक्ष होने के कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि लोग टाइम पे ही फोन करते हैं। मोस्टली लोगों के लिए हो सकता है कुछ दिक्कतें आती हों, क्योंकि ये सोच रहती है, ये तो मैंने खुद इसको मैंने देखा है, क्योंकि अक्सर 8-10 बजे के बाद लोग फोन नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी हो, या इस चीज में कुछ अंतर तो रहता है। ये अंतर कम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 10 बजे के बाद अक्सर मैंने नोटिस करती हूँ कि अगर किसी को बात करनी भी हो तो कुछ चीज़ों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। 370 की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौलाना आजाद स्टेडियम में कहा था कि 370 में हमने संशोधन किया है, 35वें को हटाया है, लिहाजा हमारा राइट बनता है कि आवाम हमें 370 सीटें दे। क्या आपको ये लगता है 370 सीटें आएंगी? जी बिल्कुल लगता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है तो पूरा एक इस पे काम किया गया होगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि आज देश भर में जिस तरह से, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में, अगर आज मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, तो आने वाले समय में मुझे पूरी विश्वास है कि 370 हमारी बीजेपी और NDA जो है हमारा 400 पार जो है, जो लक्ष्य है उसको हम जरूर अचीव करेंगे। जी, लेकिन विपक्ष ये कहते हैं कि 370 को लेकर के आप उसको राजनीतिक मुफाद लेना चाहते हैं, राम मंदिर और 370 का। देखिए 370 पे काम किया गया है, हम ऐसा नहीं, कितने सालों में आपने 370 के बारे में सोचा नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट से वंचित रखा। ये समझने की बात है कि महिलाओं को उनके राइट्स नहीं मिलते थे। अभी भी मुझे याद है कि हमारा स्टेट सब्जेक्ट बनता था तो उस पर लिखा जाता था वैलिड मैरिज, तो उस समय हमें समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, लेकिन अब पता चला कि शादी के बाद अगर बाहर कहीं शादी हो जाएगी तो हमारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। मतलब वाल्मीकि समाज है, वो क्या सिर्फ जिंदगी भर सफाई का काम करेंगे? गोरखा समाज, पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गुरखा बरादरी, बाजीगर बरादरी, बिल्कुल सबको, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हो, हमारे गोरखा समाज, हर कोई जो है। आपने अच्छा काम किया, आपका राइट बनता है, वोट मांग सकते हैं उस पर। काम किया उसके ऊपर, वोट मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, क्योंकि अगर हमने मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी तो उसको जो है पूरा। राहुल गांधी की लगातार दूसरी यात्रा थी, वो कितना इम्पैक्ट डालेगी देश भर में? राहुल गांधी जी की मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि लोगों को खुद ही पता है कितने लोगों के प्रिय नेता हैं, वो लोग ही वो डिसाइड करेंगे, मैं उस पर क्या ही टिप्पणी करूँगी। यात्रा का प्रभाव तो आपने देखा ही था, कितना ही प्रभाव था। जी, महाराष्ट्र में जब समापन हुआ था तो उन्होंने EVM पर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि EVM के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, राजा का दिल EVM में बसता है। देखिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की मेंटेलिटी है, क्योंकि ये लोग हमेशा, चाहे वो कभी ये कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, कभी ये इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे, कभी EVM पे सवाल उठाएंगे, कभी मीडिया पे सवाल उठाएंगे,
क्योंकि जब ये सरकार में होते थे तब इनको लगता था कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से चलता था, और आज वही चीज़ें जो है सेम उसी तरह से है, लेकिन आज इनको ईवीएम में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है उस वो भी इनको ठीक नहीं लगता। अगर आज मीडिया कोई बात करती है, सदियों से इन्होंने मीडिया को अपने हिसाब से हम सब जानते हैं, लेकिन आज कुछ चैनल्स अगर बीजेपी की बात करते भी हैं, क्योंकि हमेशा से रहता है, लेकिन उसके ऊपर पूरी मीडिया के ऊपर क्वेश्चन लगाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता समाज में। तो इनकी ये आदत है सभी एजेंसीज को ब्लेम करना या उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कुछ चैनल बीजेपी की बात करते ही आपने कहा जी है, देखिए हर जो चैनल है वो देख सुन के, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है जी। हर चैनल जब भी किसी को किसी के पक्ष विपक्ष, देखो मीडिया वालों का काम होता है सच्चाई सामने लाना, अगर उनको कुछ ठीक लगेगा तो वो बात करेंगे। मीडिया अपने हिसाब से काम करता है, हम कभी भी किसी मीडिया वाले को प्रेशराइज करके या कुछ करके उसे बुलवा नहीं सकते हैं। आज भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो 10 मीडिया वाले जो हमारे पोर्टल होते हैं सब होते हैं, तो हम किसी को हम किसी से कुछ भी उगलवा नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से करवा नहीं सकते हैं जी। तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, अपने हिसाब से काम करती हैं। ईवीएम जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है ये इनका एक इसी तरह से एक नरेटिव बनाने का एक तरीका है, उससे कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है असंवैधानिक है, ये विपक्ष के लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं कि हम जीत गए। देखिए वही बात है, इनको तो कोई मुद्दा नहीं है। जब भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड का आया था उसी समय हम जानते हैं कि किस लिए लाया गया था, और पूरे तरीके से ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी फिर भी ये बिल पास हुआ था, कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये पास किया गया था, और पूरा संवैधानिक तरीके से इसको पास किया गया था। ठीक है अगर आज सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो उसके फैसले का पूरी तरह से स्वागत है, लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि अगर सारा रिकॉर्ड सामने आ रहा है अगर, तो वो मात्र इसीलिए आ पा रहा है कि सब कुछ ये पॉलिसी बनी, कि आज सब कुछ हमारे सामने है जी। अगर ये पॉलिसी नहीं बनती तो कई सालों से राजनीतिक पार्टियों को पैसा दिया जाता रहा है लेकिन कभी भी कोई चीज की कुछ रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक सुना जाता था कि कोई आया जी उनके कार्यालय में छोड़ के चला गया, हमें नहीं पता कहाँ से आया। तो एक रिकॉर्ड होता है कि लोगों को भी लोगों को पता हो कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, किसको दिया। आज मुझे लगता है ये पॉलिसी थी, ये बिल पास किया गया, इसीलिए आज सबके सामने, जनता के सामने, ठीक है किसी ने आरटीआई लगाई गई कि लोगों को पता चलना चाहिए, तो आज लोगों के सामने सब बात आनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष प्रहार कर रहा है और कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही बता रही हैं, ये रिपोर्ट्स कुछ और हैं, क्या नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि पार्टी का एक सोच है, एक विचारधारा है, क्योंकि हम हमेशा जो है राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो जो भी काम हो अगर पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो, अकाउंटेबिलिटी से हो, और हमने देखा अगर प्रधानमंत्री जी ने हमारी कई योजनाएं आई, और पहली बार ऐसे हुआ है, आपकी जानकारी के लिए हमारे कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ नीचे मात्र 15 पैसे पहुँचते हैं, तो आज अच्छा लगता है और फक्र होता है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं कि जिसके प्रधानमंत्री जी जब 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 1 रुपया पहुंचता है। तो पार्टी, हमारा काम है काम करना। लोग भली भांति जानते हैं कि अगर आज किसान सम्मान निधि के तहत कुछ पहुंचा तो सीधा आपके अकाउंट में पहुंचा, इसमें एक पैसा भी किसी बिचौलिए ने या किसी एजेंट ने नहीं लिया। तो इसलिए आज जो भी योजना है, कितनी योजनाएं आज हैं, तो सबका पैसा सीधा आपके अकाउंट में पहुंचता है। तो पूरी आज जनता के सामने हर एक चीज़ है, पूरी तरह से एक सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम हमारे सामने है, एक अच्छी सरकार जो पूरी विजन के साथ जो है वो काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोगों की नाराज़गी है कि उनकी जॉब और लैंड प्रोटेक्ट नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी काम भी कर रहे हैं। देखिए काफ़ी साल तक हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। आज भी ऐसा कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे यूथ जो है सब बाहर चले गए हुए हैं।
तो 370 को हटाना बहुत ज़रूरी था ताकि बाहर से लोग यहाँ आए, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगे, एक ऐसा माहौल हो, यहाँ के बच्चे यहाँ पे काम करें, माता पिता को बच्चों के बिना ना रहना पड़े, वो अपने कम से कम बच्चे यहाँ पे रहें ताकि एक सामाजिक जो सारा सिस्टम जो यहाँ का बिगड़ गया है बिल्कुल, तो बाहर से लोग आने चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी इनसिक्योरिटी है कुछ राजनीतिक पार्टीज, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहा है हमेशा से ही, लेकिन आज जिस तरह से आम जनता जो है वो सब समझती है, और बच्चों को हमें भी जम्मू के लोगों को भी हक है, हमारे भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, हमारे भी आज एम्स अगर यहाँ पे बना है, अगर सब चीज़ें आज यहाँ पे बन रही हैं, IIT IIM इतने हाईवेज टनल्स सब हमारे सामने हैं, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक ली मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि अगले 100 दिन का प्लान बनाइए, मतलब इतना आत्मविश्वास जी बिल्कुल। ये विपक्ष वाले तो कहते हैं ये सेटिंग बड़ी जबरदस्त है ईवीएम में, इतना कॉन्फिडेंस नहीं काम, जो मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है वो अपने काम के लिए है, क्योंकि आज भी मोदी जी जब बात करते हैं 2047 तक की बात करते हैं, 2047 तक का विकसित भारत कैसा हो उसकी जो सोच है उसकी संकल्पना जो है वो प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, और मुझे लगता है कि हम सब इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे, कहीं ना कहीं इसके लिए काम करेंगे, और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा तो वो पूरी तरह लोगों के जो आज अगर आप देखो नमो ऐप के माध्यम से लगातार रोज के कितने सजेशंस जो हैं उस नमो ऐप पे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो बनाएगी वो किस तरह का हो, 2047 का वो भारत जो किस तरह का हो जो आम लोग सोचते हैं उसके जो बात है वो हम नमो ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी तक पहुँच रही हैं। तो आपसे आखिरी सवाल इन 5 सीटों को लेकर के जो जम्मू कश्मीर UT की हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा, कितना रुख रहेगा, कितनी उम्मीद है आपको? जी मैं मुझे लगता है मैं इतनी बड़ी सीनियर लीडर नहीं हूँ कि मैं 5 का समीकरण बनाऊंगी, ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो देख रही है, मैं जम्मू जिला साउथ की जिला अध्यक्ष हूँ, तो जो मेरा रोल रहेगा वो मेरी 2 विधानसभाएं हैं, एक बाहु विधानसभा और एक आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा, तो मैं अपनी पार्टी को यही आश्वस्त करूंगी कि इन दोनों विधानसभाओं से हम हमारे सांसद जो हैं जुगल किशोर शर्मा जी उनको भारी मतों से जो है वो बहुमत दिलाएं, इसी सोच के साथ मैं काम करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।